नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। आज एक महिला जुड़ी है डेरा की, आखिर क्या है डेरा की सच्चाई, ये उन्हीं लोगों से पता लगाया जा सकता है जो कि डेरे में जाता था, ना कि उन लोगों से जो कि चंद दिन से डेरा जाते थे। इस मोटिव से जाते थे कि डेरा को बदनाम कैसे किया जाए, कैसे कहानियाँ एक के बाद एक बनाई जाए। तो आज ऐसी महिला जुड़ी है, डेरे से काफ़ी लंबे समय से संपर्क रहा है, जानते हैं क्या है सर। नमस्कार। क्या नाम है मैम? रवीना। मैम डेरा से कब से जुड़े हो? डेरा से मैं तो छोटी सी थी तब से मैंने नाम शब्द ले रखा है। जाते हो डेरा? हाँ जी, डेरा तो जाते हैं जी, डेरे के बिना तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। गुरुजी पे कितना विश्वास है? बहुत ज़्यादा। क्या कारण है मैम? कारण यही है भी हम तो गुरुजी का देन ही नहीं दे सकते। मेरी गुड़िया है वो भी गुरुजी ने पाली है, गुरुजी के पास ही है। मेरे तो बच्चों को सहारा दिया है, जब किसी ने सहारा नहीं दिया हमें गुरुजी ने सहारा दिया, उनका देन तो हम किसी तरह से भी नहीं दे सकते। मैम आप कहते हो कि गुरुजी का जो देन है आप नहीं दे सकते, मगर मीडिया पे जो एलिगेशंस लगाए हैं उसके बारे में क्या कहोगे फिर? मैडम मीडिया वाले तो कुछ भी बोलते हैं, मीडिया का एलिगेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी खुद की वहाँ रही है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ये गलत कर रहे हैं, तो गलत ये तो जो एक सच्चे सतगुरु पे जो इल्ज़ाम लगाएगा खुद को भोगना ही पड़ेगा उनको, हमारे लिए तो वही सब कुछ है। मैम जो महिलाएं जाती हैं डेरा के अंदर वो कितनी ज़्यादा सुरक्षित है? मैम इतनी घर में सुरक्षित नहीं होगी जितनी डेरे में सुरक्षित है, वहाँ पे हर जगह सुरक्षा होती है, हर तरह से सुरक्षित है। गुरुजी उनके उनको अपनी बेटियों से भी बढ़कर मानते हैं, इतना ज़्यादा हमें तो गर्व है कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे सब कुछ है, माँ बाप बहन भाई सब कुछ हमारे लिए तो वही है। मैम गुरुजी आप कह रहे हो कि गुरुजी पे इतना यकीन है, मगर जो आरोप लगाए गए हैं फिर उसके बारे में क्या कहोगे? मैम आरोप जो लगाए गए हैं वो तो सिर्फ एक राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और गुरुजी को डेरे को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया गया है। गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया? गुरुजी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, जो बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं है, जो लड़के लड़कियाँ उनको सहारा दिया, जो अपना जो जो थी वो लड़कियाँ जो गलत कामों में थी, जो क्या कहते हैं उनको। मैम गुरुजी ने वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए क्या किया? तो वो वेश्या थी उनको अपनी बेटियाँ बना के, उनको जो जो थे भगत योद्धा बनाए उनकी शादियां करवाई, और वो आज है जो अपनी गृहस्थी में अच्छे से जी रही है सिर्फ गुरुजी की वजह से, और गुरुजी ने हर किसी को अपना स्थान दिलाया है। जैसे ये अपना किन्नर है, इनको सुख दुआ समाज का नाम दे के इनको भी अपनी जगह दिलवाई है, सबके लिए कुछ ना कुछ गुरुजी ने किया ही है। गुरुजी आज समाज के बीच में नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? मैं गुरुजी का ना होने का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्यों ऐसे लग रहा है जैसे ना अभी कुछ है ही नहीं, जैसे नशे वगैरह छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नशे करने लग गए, और जब तक गुरुजी थे तो ऐसे माहौल सुरक्षित लगता था भी जैसे हम सुरक्षित हैं, लेकिन अब नशेड़ी हर जगह घूम रहे हैं, इतना ज़्यादा नशा फैल गया है। गुरुजी ने सब बच्चों की सुरक्षा कर रखी थी एक तरह से भी, नशा ना करने जो डेरे आते थे कोई नशा नहीं करता था, लेकिन अब बस सब खुले हो गए हैं, नशा कर रहे हैं, नशा बेचने वाले भी खुले हैं और करने वाले भी खुले हैं। क्या समाज को, आज के समाज को गुरुजी की जरूरत है? हाँ जी जरूरत है, आज के समाज को बहुत ज़्यादा जरूरत है, गुरुजी ही सुधार सकते हैं समाज को। मैम जो आप कह रहे हो कि इतनी ज़्यादा जरूरत है, मगर जो आरोप लगाए गए हैं फिर उसके बारे में क्या कहोगे आप? मैम आरोप जो लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही कोई मायना नहीं रखते, वो एकदम गलत लगाए गए हैं, क्योंकि हमने तो सब कुछ करीब से देखा हुआ है, और जो जिन लोगों ने करीब से नहीं देखा हुआ, जो यहाँ नहीं रह चुके उनको क्या पता क्या चीज़ है। सतगुरु को हमने देखा है, हमारे सतगुरु को हमें पता है कि वो क्या है, इतने अच्छे हैं, इतना सबका इतना ध्यान रखने वाले, सबका बेटियों का तो इतना ज़्यादा करते हैं कि बेटियों को समाज में बेटों से भी ज़्यादा अच्छी जगह मिलनी चाहिए, इतना ज़्यादा करते हैं। सरकार से क्या अपील करोगे मैम? सरकार से यही अपील करेंगे कि हमें अपना सतगुरु दे दो, और हमें हमारे पिताजी हमारे सतगुरु
हमारे पास जल्दी से जल्दी भेज दो, बस हम उनके बहुत बहुत आभारी होंगे, हमारे सतगुरु आ जाए हमारे पास, कि हमारे सर पे उनका हाथ रहे तो हम सुरक्षित है। मैम महिलाएं जो डेरा के अंदर जाती थी कितनी प्रतिशत जो है सुरक्षित थी? मैम तकरीबन सारी सुरक्षित ही तो हैं, वहाँ से ज़्यादा तो सुरक्षा कहीं नहीं मिल सकती, इतनी ज़्यादा सुरक्षित है कि हर जगह पे बहुत ज़्यादा बहनों का ध्यान रखा जाता है हर चीज़ के लिए, और इतनी ज़्यादा सुरक्षित है कि जितनी घर में भी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि इनका ये कहना है कि ये भी डेरा सच्चा सौदा जाती थी, गुरुजी ने वैश्यावृत्ति से शायद ही किसी संत ने आज तक इतिहास उठा के देख लें, किसी संत ने वैश्याओं को जो मुख्य धारा में इस तरीके से ले आके नहीं खड़ा किया कि उनको इतना सम्मान दिया जाए जिस फैमिली में जाए, क्या ये बड़ी बात नहीं? उसके बावजूद मीडिया ने इतना गलत क्यों दिखाया? क्या ये देशद्रोह का कार्य नहीं? एक देश प्रेमी के खिलाफ एक के बाद एक झूठी खबरें दिखाना ये सरासर देशद्रोह का कार्य है या नहीं? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत